गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज की एक और नई वीडियो में। कल मैं कीर्तपुर साहिब पहुंच चुका था शाम को भाई, और रात जो पीछे सरायें दिख रही है ना, पीछे कमरे दिख रहे गुरुद्वारा साहिब के, वहां पर स्टे किया था। ये सामने गुरुद्वारे की सराय थी सारी, बड़ी खूबसूरत सी जगह, शांत सी जगह, हरी भरी जगह है, और बहुत अच्छी नींद आई कई दिनों बाद भाई। तो ठीक है, अभी अपना निकलने का टाइम आ चुका, 7:30 के करीब का टाइम हो चुका। आज थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 60 किलोमीटर जाना ना, मतलब 2-3 घंटे लगे था साइकिल चला के। उसके बाद एक रेस्ट लेंगे, वीडियो एडिट करेंगे, और थोड़ा दोपहर में गर्मी हो जाती ना, तो इस चक्कर में रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। ठीक है, फिलहाल अभी गुरुद्वारा साहिब से चाय पी के जल्दी जल्दी से निकलते हैं। और कुछ ऐसा माहौल है सुबह सुबह का कीर्तपुर साहिब का, सूर्य देवता निकल चुके हैं घास के ऊपर ना, हरे हरे घास के ऊपर वाष्प ओस जमी हुई है, बड़ी खूबसूरत चमक रही है मोतियों की तरह। और इधर काफ़ी ज़्यादा आम आम और अमरूद के पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा है इधर। चलो चलते आगे, चाय पीते हैं और गुरुद्वारा साहिब में प्रणाम करके भगवान जी को निकलते हैं यहाँ से। ये जी सुबह सुबह का खूबसूरत सा ठंडा ठंडा माहौल, पंजाब के कीर्तपुर साहिब से गुरुद्वारा साहिब बाबा जी को प्रणाम करके अपनी यात्रा शुरू कर दिया भाई। ये इधर है जी रेलवे लाइन, रेलवे क्रॉसिंग है ये लाइन सीधी जाती है ऊना हिमाचल प्रदेश में, आनंदपुर साहिब होके मेन हाईवे पे आ चुके हैं। अब बस सीधी जाना, कहीं नहीं मुड़ना भाई। अब तो यहाँ बड़ा गियर ही रखना पड़ेगा, छोटे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाइट कोई आनी नहीं है। तो पूरी स्पीड में चलते रहेंगे, अपना सफर भी जल्दी निकलेगा। ये सामने है जी सतलुज रिवर का ब्रिज भाई, सतलुज रिवर का पानी का बहाव बड़ा तेज है यहाँ पर, पूरा तेज है। आज प्लेन एरिया को देख देख के ना कुछ अलग से महसूस हो रहा है। असली मजा तो अब आ रहा है साइकिल को चलाने का भाई, पूरा स्पीड से भाग रहा है, इस हिसाब से जल्दी पहुंच जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पंजाब का नाम पंजाब ना, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, इसलिए उसका नाम पंजाब रखा गया। पंज मतलब 5, आब मतलब पानी, तो 5 नदियाँ बहती हैं, सतलुज, जेलम, रावी, ब्यास, चनाब। तो इनमें से लगभग 3 अभी पंजाब में है, 2 पाकिस्तान वाले पंजाब में चली गई है ना। छोटी छोटी चढ़ाइयाँ यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि छोटी छोटी नदियाँ बहुत हैं ना इधर, तो जहाँ नदी होती है ब्रिज तो मिलता ही है। व्यू बड़े मस्त मस्त है इधर भाई, नदियों के साथ साथ हरियाली ज़्यादा है ना, और पानी भी साफ साफ है। थोड़ी दूरी तक ना पहाड़ियों का असर रहेगा, मतलब इस इलाके में भी ना थोड़ी बहुत ही हाइट आती रहेगी अप डाउन से। तो अभी जैसे चल रही है, गाड़ियाँ भी रो रो के चढ़ रही है इधर, चढ़ाई नहीं आ गई है, बस थोड़ी सी और रह गई चढ़ाई। लो भाई, यहाँ तक लास्ट चढ़ाई थी जहाँ से गाड़ियाँ मुड़ रही हैं। गांव का नाम है जी भरतगढ़। लगभग 1 घंटा हो चुका साइकिल चलाते चलाते भाई, अब चाय पीने का मन कर गया है। इधर ना पेड़ पौधों की छांव है ना, सुबह का टाइम है, सूर्य देव तो उधर है, तो इस चक्कर में ना गर्मी से थोड़ी राहत मिली हुई है भाई। दोपहर को पता नहीं क्या होगा यार, क्योंकि आज बादल भी नहीं है ना, मौसम साफ है, तो गर्मी भी पूरी ज़्यादा होएगी। चलते चलते ढाबा देखा, चाय तो यहाँ नहीं पियेंगे, बट आपको ना पंजाब का पुराना कल्चर दिखा देता हूँ। ये इधर बैल हैं भाई, बैल की जोड़ी है, इनकी रेस वगैरह हुआ करती थी, वैसे सिस्टम बना रखा है। और इधर कुछ वाइल्ड लाइफ जानवर हैं, जंगली जानवर हैं। और भाई ये इधर का पुराना कड़ुका बोलते थे इसका, कड़ुका टेम्पू भी बोलते हैं कड़ुका। अब भी चलते हैं भाई,
ये वाले हैं और ये कुछ, ये तो आपको जान, ये तो आप जानते ही होंगे भाई, भैंस है और इधर लेडीज उसको पानी पिला रही है, कुछ भी कर रही है, देख लो बछड़ा वही, क्या क्या जुगाड़ बना रखा साइकिल पुराने टाइम का, वही नॉर्मल साइकिल ऐसी दूध लेके जाने के लिए ड्रम ही हुआ करती थी, इधर ये दूध निकाल रहा है भाई। बहुत कुछ कल्चर है इधर भाई। ये पशुओं के लिए जो चारा होता ना हरा चारा, वो काटने की मशीन है। और ये पुराना ट्रैक्टर है भाई, पुराने जमाने का खिचला वैरिया। ओ और ये तो आपको पता ही है भाई, टॉय ट्रेन बच्चों की। ढाबा मिल गया भाई, अब यहाँ बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं और देखते हैं कितने किलोमीटर आ चुके हैं और कितना रह गया अपना सफर। एक घंटे में पता कितने किलोमीटर कवर किया भाई, खुद यकीन नहीं होता, 17 किलोमीटर एक घंटे में निकाल दिया। तो 17 के एवरेज आ रही है, इस हिसाब से 60 किलोमीटर था, 17 + 70 = 51। 4 घंटों में लगभग पहुंच जाऊंगा मैं खरड़ अपनी सिस्टर के पास। तो फिर तो आराम से हम मजे से बैठ के वीडियो एडिट करके अपलोड करके फिर ही निकलते हैं और चाय पीते हैं, रेस्ट करते हैं। पसीने से बुरे हालात हो गए, हवा का दाना भी नहीं चल रहा भी बिल्कुल भी, मौसम बिल्कुल साफ है। कल तो बहुत मौसम बादल वाला हो रखा था ना, तो मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा मौसम था। आज तो भाई पूरी कसर निकलेगी पीछे, जितने भी एरिए में मजे लिए ठंडे एरिए में। लगभग ना 1.5-2 घंटे यहाँ पर रुका भाई, एक तो चाय पी, दूसरा वीडियो एडिट कर लिए सारी, लगभग अब अपलोड लगा दिया। अब आगे ना 10-15 किलोमीटर तक जाते जाते ना वीडियो अपलोड हो जाएगी, फिर थंबनेल लगा के पब्लिक कर देंगे। तो मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ 10-15 किलोमीटर बाद ही रुका करूँगा। अभी भी यहाँ से सफ़र दिखा रहा है 48-49 के करीब, समझ नहीं आ रही भाई। 17 किलोमीटर कीर्तपुर साहिब से भी आ गए हैं, फिर भी 50 किलोमीटर दिखा रहा है, और वहाँ से सारा ही 60 किलोमीटर दिखा रहा था खरड़। शायद मैप को कोई दिक्कत आ गई है इसलिए। ठीक है चलते हैं भाई, धीरे धीरे जब तक वीडियो अपलोड होती है तब तक चलते रहते हैं। आज ना साइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि बागरा है ना पूरी स्पीड से प्लेन रास्ता है, जितना मर्जी भगाओ बागरा उतना ही। रूपनगर 10 किलोमीटर रह गया, पहले इसका नाम रोपड़ हुआ करता था, फिर बाद में चेंज करके रूपनगर कर दिया। रूपनगर 5 किलोमीटर रह गया, अब रूपनगर से ना थोड़ी ही पहले रुकेंगे भाई। पहुंच गए हैं जी रूपनगर में, बाहर वाला एरिया ये, लगभग एक किलोमीटर के आसपास है मेन सिटी जो अंदर वाली है। उससे पहले कहीं छाव में रुके ना वीडियो पब्लिक करते थंबनेल लगा के। रूपनगर 1 किलोमीटर लेफ्ट नीचे जाना पड़ेगा, जलंधर 101, चंडीगढ़ सीधा, दिल्ली सीधा। तो अगर नीचे उतर गए फिर नीचे से जाना पड़ेगा, ऐसे करते हैं पहले, शायद पहले देखते हैं कवर ही कर लेते हैं रूपनगर को, बाद में रुकेंगे आराम से। ये सारी है जी रूपनगर सिटी, काफी बड़ी सिटी है। थोड़ा सा और रह गया रूपनगर, पहले मैं सोच रहा था एक बार रुक के पानी पी लेता हूँ फिर कवर हो जाएगा, फिर मैंने सोचा चलते रहते हैं यार, रोज करके ही पानी पियेंगे, नहीं तो कोई जूस वाला मिलेगा ना, जूस ही पीते हैं भाई। कई दिनों बाद ही बत्तियां दिखी हैं भाई, चलो हमारा तो ग्रीनी हो रखा है, निकलते हैं। 4, 3, 2, 1 क्रॉस हो गया भाई, इसी के साथ अपना रूपनगर क्रॉस हो गया भाई। 11:30 का टाइम हो चुका है, बड़ा जल्दी जल्दी सफर कवर कर लिया आज। अभी भाई साहब को जूस वाली तो रेडी मिली नहीं, बट गोंद की तीरा और लेमन जूस वाली मिल गई है। तो मैंने सोचा गोंद की तीरा ठंडा होता सफर, मतलब सफर के लिए नहीं, वैसे भी गर्मी में अच्छा रहता है, गोंद की तीरा पी लेते हैं। और भाई अभी तक मैंने सफर पता कितना कवर किया इस बार में, जो मैं 10 किलोमीटर बोल रहा था 22 किलोमीटर लगातार चलो 22 किलोमीटर, वहां तक 17 किलोमीटर कीर्तपुर दिखा रहा था, यहां से 39 किलोमीटर दिखा रहा है।
तो 22 किलोमीटर लगातार सफर कवर कर लिया भाई। अच्छा सफर चल रहा है, अभी तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, दे रहा हूँ उनसे पहले ही पहुंच जाऊंगा अपने सिस्टर के पास। फिलहाल अभी गोंद की तीरा पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ये वाला है जी रोपड़ वाले ना मशहूर गोंद की तीरा भाई, ये गोंद की तीरा बना दो जी। बड़ा मस्त बना भाई, बर्फ ज्यादा डाल रही है, बर्फ मुंह में आ रही है ना। वहां पर नींबू पानी गूंद तीरा पीने के बाद भाई, वीडियो पब्लिक करने के बाद थंबनेल बना के दोबारा निकल चुका हूँ भाई अपने सफर पर। और एक बज चुका है, सूर्य देवता बिल्कुल सर के ऊपर आ चुकी हैं, और भाई गर्मी बस पूछो ना। पर मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी सफर कवर कर लेता हूँ, सिस्टर के पास जल्दी पहुँच जाऊँगा ना, तो फिर वहाँ जाके आराम करेंगे, तो इसलिए अभी लगातार चलते हैं। गर्मी उमस बहुत ही ज़्यादा हो रखी है भाई, टफ हो रहा है चलाना, पर कोई ना चलते जाएंगे भाई। सामने लिखा जी खारड़ 15 किलोमीटर रह गया बस, मतलब एक घंटा भी नहीं लगेगा। चंडीगढ़ 29 किलोमीटर, कुराली 3 किलोमीटर लेफ्ट साइड है। 1:10 के करीब का टाइम हो चुका है, लगभग मेरे को लग रहा है 2:15 के करीब मैं पहुंच जाऊंगा सिस्टर के पास, या थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हो सकता है। वहां जाके सबसे पहले सिस्टर को बोलूंगा बैग बुक दो दो, बुरे हालात हो रखे बैग के भी, गंदा हो रखा है बैग, स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग मैट, सब कुछ गंदे हो रखे हैं। सारे कपड़े धुलवा के आराम से एक दिन रेस्ट करके फिर निकलेंगे आगे के सफर की ओर। इधर ही किसान प्याज रख के बैठे हैं, प्याज बेच रहे हैं। पिछले साल जब मैं निकला था ना यहाँ से, इनके पास काफ़ी देर रुका रहा, बट इस बार नहीं रुकूंगा, अब तो सफ़र ही थोड़ा सा रह गया, 13-14 किलोमीटर रह गया होगा अब तो आराम से। प्याज अच्छे हैं भाई, तगड़े तगड़े मोटे मोटे हैं, भूख लग चुकी है भाई, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है। वैसे तो टाइम नहीं था पहले खाने का, पर आज भूख लग चुकी है। खरड़ यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया भाई, मैं पहले रेस्ट लेने की सोच रहा था, बट एकदम से ना जो उधमपुर वाले सर जी हैं ना, जिनके घर साइकिल रखे थे जहाँ पर हम रुके थे, उनका कॉल आ गया। बातें करते करते कब 6-7 किलोमीटर निकल गया पता ही नहीं लगा भाई। ठीक है, अभी आगे जाकर ना कहीं रुकते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, फिर आगे निकलेंगे भाई। गर्मी भी बहुत है और पसीने से बुरे हालात हो गए। अभी ना भाई अपने भाई लोग मिले हैं कुछ यमुना नगर से, ये भैया मेरे को पिछली बार भी इसी रास्ते पर मिले थे, पीछे पीछे वीडियो बनाई इन्होंने मेरी, बट मिल नहीं पाए क्योंकि इनको जल्दी थी, इस बार अचानक एकदम से वैसे ही मिल गए। तो अभी भाई लोग बोल रहे हैं अभी आगे रुकते चाय पानी पीते हैं फिर जाने देंगे। ठीक है, अभी बैठते और भाई लोगों से आपको मिलाते हैं और फिर निकलेंगे अपने आगे के रास्ते की ओर। यहाँ से वैसे 5-7 किलोमीटर रह गया अपनी सिस्टर का घर। यहाँ रुके हैं कुछ हल्का फुल्का, चाय पानी तो नहीं मतलब पानी वगैरह पी लेंगे, तो भाई लोगों से आपको मिलवाते हैं। तो ये अपने भाई, भाई जी नमस्कार, नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई जी? बहुत अच्छा, नाम क्या है? पराग। पराग सिरसा से? सिरसा। ये तो अपने मतलब हरियाणा से ही, और ये भाई भी अपने हरियाणा से। ये भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया। नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक भाई है, ये यमुनानगर से है। पिछली बार जब मैं साइकिल से जा रहा था, भैया ने पीछे से वीडियो बना के मेरे को सेंड की थी, उसके बाद अपनी वार्तालाप होती रहती थी, बातें चीतें होती रहती थी। आज भाई को मिलने का सौभाग्य मिल गया भाई, अच्छा लगा मिलके आपको, आपसे मिलके अच्छा लगा हमको, आपको नहीं हमको अच्छा लगा बहुत ज्यादा अपने भाइयों से मिलके। ठीक है, अभी भाइयों के साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी शानी पीते हैं, उसके बाद भाई आप किधर जा रहे हो? अब मैं चंडीगढ़ जाना। इधर कहाँ से आए?
इधर रोपड़ से। अच्छा रोपड़ से, ओके ओके। मैं भी उधर से आया पर यहाँ आके मिल गए, ठीक है, नहीं तो अब रास्ता अलग हो जाता। ठीक है भाई, भाइयों के साथ बैठते हैं। पहले वहाँ पानी पीने की इच्छा थी, ठंडा पानी पीते हैं, बट फिर भाई लोग जबरदस्ती इधर ले आए भाई डोमिनोज वगैरह में। चलो कोई ना। तो भाई साहब जाते जाते सोचा नहीं था ऐसी पार्टी होगी, वो भी भाइयों के साथ। भाई बहुत अच्छा लगा यार मिलके, सच्ची यार, और उम्मीद नहीं थी भी यहाँ पर दोबारा मिल जाएंगे। काफी देर भाइयों के साथ बैठे, बातें चीतें करी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफी टाइम से भाई लोग बोल रहे थे मिलना है। पहले कमेंट वगैरह भी, जब मैं और अंकुश भाई आते ना यमुनानगर की तरफ से, तब भी भाई का मैसेज आया था, पर तब उस टाइम मिला नहीं गया क्योंकि अंकुश भाई को जल्दी थी इस चक्कर में। फिलहाल अभी भाई लोगों के साथ मिलना हो चुका है, अब अपना भाई लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, मैं जा रहा हूँ जी अपनी सिस्टर की तरफ। ठीक है भाई जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपके भाई का जी। नजर रहिएगा, कभी गांव की तरफ आए जरूर याद करना भाई को। ठीक है जी, ओके बाय बाय, जरूर जी जरूर। चलो भाई, भाई लोग जा चुके हैं, हम भी चलते हैं। लो भाई जी, मेन खरड़ में पहुंच चुके हैं, और शायद इधर ही है बस स्टैंड, ये छोटा सा इधर साथ में आगे, और यहाँ से कुछ ले लेते हैं बच्चों के लिए और कुछ आगे से ले लेंगे, और अभी आपको बाहर जाके मेन रोड पर मिलेंगे, क्योंकि लोकेशन लगानी है ना, तो फ़ोन फिर स्टैंड पर लगाना है तो हाथ में पकड़ नहीं सकते, तो बाहर जाकर ही मिलेंगे। शहरों के जाम से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके चंडीगढ़ के आसपास के जो शहर है ना, खास करके उनकी बात है भाई, बड़ी मुश्किल से निकल गए हैं, ऊपर से गर्मी है। एटीएम देख गया, कैश निकलवा लेते हैं, क्योंकि कैश की ज़रूरत रहेगी ना, बहनों को देना होता ना। मेन हाईवे से ना सिंगर रास्ते पर आ गए हूँ, ये है जी पंजाब के गांव वाला एरिया। यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर रह गया, ज्यादा दूर नहीं है अपनी सिस्टर का घर, जल्दी पहुंच जाएंगे। लो भाई, ये लेफ्ट वाला रास्ता है, यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब रह गया, 1.5 किलोमीटर, ज्यादा नहीं होगा बस। काफी दिनों बाद ट्यूबवेल चलता देखा भाई, खेत देखे, खुशहाली देखी, अलग सा सुकून आ गया।